लाइक टू नो कि आपके जो सुपर गुरु रहे अमरदीप सिंह नाथ, उनके साथ जिनकी इस बार जोड़ी बनी है अमित कुमार, उनके बारे में आपको पता ही होगा। इंस्टाग्राम वीडियो चैट में भी आपने उनसे बात की, उन्होंने ये भी कहा कि वो आपको देखकर इंस्पायर हुए हैं। उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे और उनकी डांसिंग स्टाइल कैसी लगती है आपको? अमित के बारे में तो मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं अमित से मिला था वर्कशॉप में, लेकिन वर्कशॉप में मैं उससे मिला था। फिर उसके बाद वो मुझे मिला भोपाल में, तो भोपाल में मैंने उसको ट्रेनिंग दी थी और इसकी तरह ही काफी बच्चे थे वहां पर जिनको मैंने ट्रेनिंग दी थी। और मैं जैसा रहता हूँ, मतलब जो भी बच्चे रहते हैं स्टूडेंट, उनको ट्रेनिंग दी थी, तो उनमें से एक अमित था जो कि सुपर डांसर में सिलेक्ट हुआ। तो जब भी मैंने देखा टीवी पर कि वो सिलेक्ट हो गया, तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि मैंने उसे ट्रेनिंग दी थी वहाँ पर भोपाल में, इतना कुछ सिखाया। और उनमें से काफी सारे बच्चे भी थे वो भी वहाँ पर सीख गए थे सुपर डांसर में, उनको मैंने ट्रेनिंग दी थी और उनमें से अमित सिलेक्ट हुआ। तो बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है अमित को देख के टीवी में, क्योंकि वो बोलता है कि आप ही मेरी इंस्पिरेशन हो, आपको देख के मैंने मतलब बहुत सारी चीजें सीखा है, डांस वगैरह पॉपिंग मैंने स्टार्ट किया आपको देख के, तो बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील होता है। जी मैडम, अभी अगर आपसे हम जानना चाहे कि जब आप उन्हें ट्रेन कर रहे थे तब वो किस तरह के डांसर थे, और अब जब आप उन्हें टीवी पर देखते हैं तो कितना डिफरेंस आप देख सकते हैं कि डांसिंग स्टाइल में? हाँ, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि जब भी मैं फर्स्ट टाइम उससे मिला था तो मैंने उससे पूछा कि आप कितने मतलब कितने साल से कितने ईयर से डांसिंग कर रहे हैं, तो उसने कहा कि मैं खाली 4 मंथ में मतलब अभी मैंने डांस चालू किया था लॉकडाउन में, और अभी मैं यहाँ पर आपसे ट्रेनिंग लेने गया। तो मतलब मैं तो एकदम शॉक हो गया कि इतने कम टाइम में वो इतना सब कुछ कैसे कर रहा है। और फर्स्ट टाइम जब मैं मिला था उसको सिखा रहा था, तो इतना मतलब वो नहीं था, लेकिन अभी सुपर डांसर में मैं देखता हूँ तो मतलब उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे नजर आता है। और उसको जो गुरु मिले अमरजीत सर, वो तो फिर बहुत ही अच्छे गुरु है, वो उन्होंने मुझे भी इतना कुछ सिखाया है और उसको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको इतना अच्छा सिखा रहे हैं, तो वो मतलब बहुत खतरनाक टीम देखी है सुपर डांसर में। जी सो अगर दूसरे कंटेस्टेंट की भी बात की जाए, क्योंकि आप फॉलो कर रहे हैं, सो सभी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, स्टार्टिंग विद फ्लोरिना, जो कि बहुत ही क्यूट, जिन्हें टैग मिल चुका है आप, उनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत बढ़ी है, लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना क्या आपको किस तरह से लगती है फ्लोरिना की डांसिंग स्टाइल? फ्लोरिना की डांसिंग स्टाइल बहुत ही अच्छी लगती है, वो हिप हॉप करती है और बहुत ही ज्यादा जो जो उसने अपने स्टाइल में किया है वो बाउंसेस वगैरह गुरु बहुत अच्छा यूज करती है अपने हिप हॉप में, और मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा करती है, फ्री स्टाइल भी करती है स्कूल में मैंने दिखाया था, वो ऑडिशन में आई थी, ऑडिशन भी मैंने सब बच्चों का ऑडिशन देखा करते, तो उसने फ्री स्टाइल भी किया, तो फ्री स्टाइल डांसर भी बहुत अच्छी।